अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो जी नई साल आप लोगों को बहुत मुबारक हो। और ये न्यू ईयर की मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। सो इतनी टाइम से मैं शूट नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऐसा एक्टिविटी नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी थे तो उनके पास टाइम ही नहीं था। तो मेरा भी कुछ घर में क्या ही मैं शूट करना, तो मैं भी इतना ध्यान नहीं दी थी। सो अब जो है मैं सोची नई साल की जो शुरुआत है अपनी फेवरेट खाने से करूँ, तो मैं सोची कि आप लोग के साथ आज का वीडियो मैं शेयर करती हूँ। सो जी मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी है, उनकी क्लोजिंग चल रही है तो बहुत लेट नाइट वो घर आते हैं एंड अर्ली मॉर्निंग वो चले जाते हैं, तो इनका वही रूटीन है काफ़ी टाइम से। सो आज जो है उनका कामों से जो है वो फ्री हो गए हैं। सो अभी जो है मेरे पास ग्रॉसरी की भी कुछ चीज़ें नहीं थी, तो अभी मैं ये झटपट से खाना बना के मैं जाऊँगी ग्रॉसरी करने के लिए। तो मेरे पास जो भी चीज़ अवेलेबल था तो मैं वही सोच के वही बना दूँ, क्योंकि वैसे देखा जाए तो चाइनीज़ में आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स लगते हैं, तो मेरे पास इतने ख़ास कोई वेजीज नहीं थे, तो जो है मेरे पास मैं वैसे बना रही हूँ। सो जी यहाँ पर मेरा आधा जो है चिकन फ्राई हो गया है एंड आधा अभी मैं फिर से उसको फ्राई करूँगी। सो जी यहाँ पर मेरी पूरी जो है चिकन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये मैं दूसरे स्टाइल की बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है शिमला मिर्च वो वगैरह वो नहीं थे, तो बस मैं सोची सिंपल सा बस चलाने लायक हो जाए। सो यहाँ पर मेरी जो सॉस है वो रेडी थी एंड यहाँ पर मैं जो है फ्राइड चिकन उसमें शामिल कर दूँगी और उसे थोड़ी देर में उसे पकाऊँगी। तो जैसे थोड़ी देर वो पक जाएगा, उसमें बॉईल आ जाएगा, तो ये चिकन हो जाएगा मेरा रेडी। और जैसे रेडी हो जाएगा उसमें मैं जो है उस सेसमी सीड वो डाल दूँगी, और इसके साथ ऊपर में ये भी गार्निशिंग में जाता है स्प्रिंग अनियन, बट मेरे पास मैंने बताया ऑलरेडी कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो बस यही है। सो यहाँ पर मेरा चिकन हो गया है रेडी। अब उसके धीमे आँच में इसे थोड़े से और पका दूँगी। और दूसरी तरफ मेरे पास फ्रोज़न सब्ज़ियाँ थी, ये मेरे पास हमेशा रहती है हमेशा, क्योंकि यहाँ पर आपको पीस मतलब ऐसे ही मिलता है, तो ये मेरे पास आपको मिलेगा। सो मैंने बस अपने हिसाब से जितना मुझे सब्ज़ियाँ लेना था मैंने उसको लिया, उसको बॉईल करके मैं एक अलग सेपरेट कर दी हूँ। और अभी जो मैं है वो राइस की तैयारी कर रही हूँ, तो बस फ्राइड राइस बन रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने अंडे फ्राई करूँगी, साथ में कुछ वेजीज होंगे, साथ में लहसुन होंगी, और यहाँ पर मेरा जो है फ्राइड राइस का तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ। तो राइस मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा था। तो जी लंच हो गया है रेडी, अब सब इंतज़ार है मेरे हस्बैंड का, तो जब वो ऑफिस से आएंगे तो हम लोग लंच करेंगे और लंच करने के बाद ही हम लोग चले जाएंगे ग्रॉसरी करने के लिए। सो जी अब मैं आपसे मिलती हूँ लंच करने के बाद। सो जी मैं आई हूँ अभी इकोनॉमिक हॉल, जो कि मेरे घर के बहुत पास है, और यहाँ पर मैं इकरा के लिए ले रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स जो उसकी मोस्ट फेवरेट है। तो बस यहाँ पर मैं झटपट सी मैं शूट मतलब ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मैं जितनी लाख कोशिश कर लूँ शूट करने का बट बिल्कुल भी नहीं होता। खैर हस्बैंड तो हेल्प करा ही देते मेरा, वो सारी सब्ज़ियाँ वो ही ले रहे थे और उस बीच मैं इकरा को देख रही थी। इकरा ट्रॉली में बिल्कुल भी नहीं बैठी, उसको वॉक करना था और वो खड़ी भाग भाग जा रही थी, मुझे उसको भी पकड़ना पड़ रहा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा जो शूट वो बिल्कुल भी नहीं किया। बस मुझे बेसिक चीज़ें लेनी थी लाइक सब्ज़ियाँ में खीरे हो गए, टमाटर हो गए, फ्रूट्स लेनी थी, कुछ सब्ज़ियाँ थी, तो यही सारी चीज़ें थी आलू प्याज।
तो बस मैं यहाँ झटपट करती हूँ ग्रॉसरी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो जी यहाँ पर मेरा शॉपिंग हो गया था। अब जो मैं आई हूँ पांडा, उसी दिन का उसी टाइम का है, और मैं यहाँ से कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिली थी तो मैं पांडा गई, और मैं पांडा में कोई भी शूट नहीं की, मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि इकरा थोड़ा सा उसका मूड स्विंग हो गया था, बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। तो मैं आपको सीधा मिलती हूँ घर पर। सो जी शॉपिंग हो गई है और अभी मैं आई हूँ घर, और आप देख सकते कितनी सारी हम लोगों ने शॉपिंग किया, क्योंकि बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था। सो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, क्योंकि एक साथ आज दो जगह गए थे, पांडा भी गए थे और इकोनॉमिक हॉल भी था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। और पैकेट देख के तो और ज़्यादा टायर्ड हो गए, क्योंकि ये सारी चीज़ें को मुझे जगह में रखना है, तो मुझे दुनिया की मुश्किल तरीन काम यही लगती है कि सबको उसकी जगह में रखना। तो हस्बैंड तो देकर पहुंचा के वो चले गए सीधे ऑफिस। अब मेरी काम है जो मुझे सबको उसके रखनी है जगह में, तो बस मैं ये जल्दी जल्दी करती हूँ काम, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो जी बहुत टाइम से मेरे पास ये जेली रखे हुए थे, तो मैं सोची कि आज उसको यूटिलाइज़ किया जाए, और मुझे नहीं आता था कि जेली कैसे बनते हैं। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब में देखी, तो मुझे एक रेसिपी अच्छी समझ में आई इजी वाली, तो मैं उससे देखकर बना रही हूँ। तो यहाँ पर पानी को मैंने बॉयल किया है, इसमें मैंने जेली के पैकेट सारे डाल दिए हैं, और उसको मुसलसल मुझे 5 से 6 मिनट तक उसको मुझे हिलाना है। और इसके बाद आपको एक बोल में जो है ट्रांसफ़र करके आप उसको थोड़े से रूम टेम्परेचर में हो जाए, इसके बाद आप उसको फ्रीज़ कर दें, तो आपका जेली है जो 15 to 20 मिनट्स में हो जाएगा रेडी। तो बस मैं ये प्रोसेस करती हूँ। तो आज मैं सोची कि चलो मैं कुछ बनाती हूँ कुछ मीठे में। सो पहले मैं ये जेली बन जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या बनाऊँगी। तो जी यहाँ पर मैंने मेरी जो है जेली वो बन गई थी, मैंने फ्रीज़ भी कर दिया था, मैंने उसे कटिंग की थी। मैंने इतनी वाहियात कटिंग की होना कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इतना अच्छे से मैंने कटिंग बिल्कुल भी नहीं की। सो बस अब मैं इसको प्लेट में निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। और जेली बिल्कुल भी अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है, मतलब उसकी थी जेली समझ में आ रही थी और टेस्ट भी अच्छा था।
सो अभी मेरे पास, मैंने आपको बहुत पहले आपको व्लॉग में दिखाई थी कि मैंने वो सेवैयाँ लाई, मैं सोची उसकी मैं कुछ मीठी सी डिश बनाऊँ, तो मैंने ही यूट्यूब में ही सर्च किया कि इसकी कुछ डिश मुझे आसानी वाला मिल जाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मीठी नहीं आती बनाने। तो मुझे एक रेसिपी दिखी तो मैं सोची कि उसको ट्राई करूँ। तो बस मैं 1 लीटर यहाँ दूध ली हूँ, बस को उबालना है। इसके बाद जो है मैंने ये सारे 3 चीज़ें डाल देनी है, ये सेवैयाँ और साथ में है कस्टर्ड, साथ में है शुगर। तो मैं ये मीठी बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ मेरी मीठी हो गई है रेडी। अब मुझे बाद में जो रियलाइज़ हुआ था कि मैंने थोड़ा कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा डाल दिया था, क्योंकि उसमें जो है थिकनेस आ गई थी जस्ट लाइक कस्टर्ड। टेस्ट बिल्कुल अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बट जो उसकी जो टेक्सचर थी वो मुझे थोड़ी सही नहीं लगी। बट ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया तो खैर मुझे अच्छी लगी, अदरवाइज़ जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो मैं ध्यान दूँगी। तो बस यही के साथ मैं करती हूँ अपनी व्लॉग को एंड। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।